प्रदेश पुलिस अपराध और नशा तस्करी को रोकने के मकसद से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही मामला भिवानी जिले के गांव सय में देखने को मिला है, जहां एक परिवार के 3 नशा सौदागरों को गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल की टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है। आज मैं हिसार हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हिसार यूनिट का इंचार्ज हूं। आज मैं अपनी टीम के साथ भिवानी जिले के अंदर गांव सह पड़ता है, थाना सदर भिवानी के अंतर्गत, जो हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग महाराणा प्रताप स्टेडियम के अंदर नशे का कारोबार कर रहे हैं, और जिस सूचना पर हमने आज टीम के साथ इन 3 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनमें 2 महिलाएं हैं, 1 लड़का है, और 112 किलो गांजा नशीला पदार्थ इनसे बरामद किया गया है। एक लड़का है, ईश्वर सनोव बलवान, गांव कुंभा, जिला हिसार का रहने वाला है। इसकी पत्नी जमुना है और इसकी बहन अनारकली, वाइफ ऑफ रामवीर, समालखा, जिला सोनीपत की रहने वाली है। बीमार मौसेरे भाई को अस्पताल में देखने गए एक व्यक्ति पर 10 से 15 युवकों ने हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि वाइन शॉप के सामने एक युवक उसकी कार के सामने आ गया, इस पर युवक ने कार को रोक लिया। आरोप है कि कार के रुकते ही युवक ने बोनट पर हाथ मारा और शराब की बोतल निकाल कर बोनट पर रख कर पीने लगा। जब पीड़ित ने विरोध किया तो युवक ने अपने 10 से 15 साथियों को बुला लिया और उस पर डंडों से हमला कर दिया। यह भाई 17 तारीख की रात को मेडी सिटी के अंदर एक मेरे रिलेटिव थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो मैंने ठेके के वहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी। जब गाड़ी वापस लेने के लिए आया करीबन रात को 11:30 बजे, तो वहाँ पर कोई 10-12 बंदे दारू पीने लग रहे थे। वे गाड़ी के आगे खड़े हो गए, मैंने हटाने के लिए उनको विरोध किया कि भाई आप यहाँ से हट जाओ, तो उसके बावजूद वो गाड़ी के बोनट पर हाथ रख के गाड़ी निकलने नहीं दी। फिर मैं उस तक बाहर उतर के जैसे मैंने उनको ये कहा कि भाई साइड हो जाओ, पकड़ के साइड में करने लगा, तो 10-15 बंदे थे साइड में, उन्होंने आते मारपीट शुरू कर दी थी। चरखी दादरी शहर के कई इलाकों में जगह जगह जमा गंदे पानी में पनपे डेंगू के मच्छर अब लोगों को डंक मारने लगे हैं। इसकी चपेट में आने वालों का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। जलभराव के अस्थायी समाधान को लेकर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान की अगुवाई में नगर पार्षदों ने सरकार और अधिकारियों के सिस्टम को दोषी ठहराया, साथ ही अस्थायी समाधान नहीं होने पर नगर पार्षदों के साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज के दिन दादरी के अंदर डेंगू बहुत ज़्यादा फैला और उसका मेन कारण ये पानी है। इस पानी को खड़े हुए 9 साल हो गए, 10 बार तो मैंने एजिटेशन कर लिए, पर आप पता ही नहीं आज चलती क्या है, कोई सुनता है कि नहीं। दादरी का कोई सिस्टम ही नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। अब एक्शन के बात करी बोले वह तो उड्डा खड़े हो, अरे उड्डा में क्या करेगा, ये बदबू तो यहाँ फैल रही है, खराब तो ये हो रही है, 9 साल हो गए, तो करो क्या, कोई चुनाई नहीं कर रहा। मैंने खट्टर साहब को कम से कम 14 चिट्ठी लिखी जी, पर वो चिट्ठी को बताने खड्डे में डाल देते हैं, क्या करते। तो या तो अपने रास्ते पर आ जाओ। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि दादरी की जनता को मरने नहीं, इससे तो मरने वाला काम हो गया। रोहतक जिले के बहुअकबरपुर गांव में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल में ताला जड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गांव से निकलने वाला रोहतक महम हाईवे रोड जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में 1 सितंबर से इंग्लिश, मैथ और साइंस के अध्यापक नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। कई बार जिला शिक्षा अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए आज मजबूरन होकर स्कूल में ताला जड़कर रोड पर उतरना पड़ा है। 1 तारीख से ट्रांसफर हुआ था, ना हमारे स्कूल में मैथ की टीचर, ना इंग्लिश की, ना साइंस की, हिंदी तो हम अपने घर पे नहीं पढ़ लेंगे। जाम लगा के टीचर आएंगे, कुछ तो समाधान होगा, नहीं तो हम अपने घर बैठ जाएंगे। हिंदी तो पढ़नी है, ये 3 सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हिंदी तो हमारे घर पे नहीं पढ़ लेंगे हम। कैसे दे पाएंगे, हमारा समाधान करो, हम इसीलिए बैठे यहाँ पे। कब तक बैठे, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। पिहोवा सरस्वती तीर्थ के घाट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद
शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई। पुलिस अधिकारी पूर्ण दास ने बताया कि आसपास पता करने पर पता चला है कि ये व्यक्ति पिछले कई दिनों से सरस्वती घाट पर ही घूम रहा था और जिसकी तबीयत भी खराब थी। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई है सरस्वती सरस्वती घाट से एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, जो जिसकी उम्र करीब 40-45 साल है। जो यहाँ आके मैंने पता किया तो ये अपना कई दिनों से यहीं सरस्वती पे घूम रहा था और बीमार था कई दिनों से, और अपने आप को चीका और बागल साइड का बताता था। पर कोशिश कर रहे हैं इसकी शनाख्त करवाने की, अगर शनाख्त ना हुई तो फिर इसको 72 घंटे के लिए LNJP हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके बाद कार्रवाई जो भी बनेगी वो की जाएगी इसकी। बाकी कोशिश कर रहे हैं आसपास उसमें पुलिस में स्टेशनों में भेज रहे हैं इसकी शनाख्त के लिए फोटो। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।